घुंघरू की छन छन और शास्त्रीय संगीत की लय पे थिरकते पांव। प्राची शाह को इस रूप में जब पॉपकॉर्न ने देखा तो हमें पता चला कि इस अभिनेत्री की प्रतिभा का एक और पहलू भी है। प्राची ने बताया कि उनके लिए अपना कथक का रियाज बहुत जरूरी है। I have 3 classes in a week, सोमवार बुधवार शुक्रवार। कभी कभी अगर 9 से 10 की शिफ्ट होती है, you know how serials are, जहाँ पे ब्लॉक डेट्स होती हैं, तो उस दिन मैं नहीं कर पाती। लेकिन आज भी अगर कुछ भी हो तो my everything, चाहे पार्टी के लिए जाना हो, मैं रात को 10 बजे के बाद जाऊँगी, लेकिन it will not come across my dance programs or my dance rehearsal या मेरा डांस क्लास नहीं रुकेगा। प्राची तब से कथक सीख रही हैं जब वो 5 साल की थी। उन्होंने हमें बताया कि कथक करना एक अलग ही अनुभव होता है। मेरे लिए कथक इज मोर लाइक मेडिटेशन। इनफैक्ट नॉट वेन, मेरे लिए कथक मैं कहूँगी विपश्यना है। विपश्यना इज़ द आर्ट ऑफ मेडिटेशन। मैं घर आती हूँ और ये अपने ऊपर निर्भर है, अगर मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर एक ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ मुझे किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो, कौन क्या कह रहा है, अगर पापा मुझे कुछ कह रहे हैं, मम्मी कुछ कह रही है, इट डज़ नॉट मैटर टू मी, क्योंकि मैं एक अपनी अलग दुनिया में चली जाती हूँ। टेलीविजन की भागदौड़ के बावजूद प्राची अपने इस शौक के लिए वक्त निकाल लेती है, तो क्या कभी उन्हें थकावट नहीं होती? कभी कभी तो ऑफ कोर्स लगता है कि मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन तब जब तुरंत 6 बजे पैकअप करके घर पे पहुँच के मेकअप उतार के मैं यहाँ आती हूँ और जब गुरुजी आते हैं तो एक पॉइंट, एक 5 मिनट जाते हैं एक मूड में आने के लिए। उसके बाद जो थकावट, चाहे मुझे अभी भी याद है, मुझे काफ़ी अक्सर ऐसा होता है कि बुखार आ जाता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं तुम आधा घंटा डांस कर लो और तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, और वो वैसा ही होता है। प्राची को देखकर एक बात तो साफ है कि उनके लिए कथक सिर्फ एक शौक नहीं, एक जरूरत है। तो उम्मीद है कि उनके पांव यूं ही थिरकते रहेंगे।